पन्नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इद्धि गारवे पिशुणे नरे साहस हीन पेशणे अदिठ धम्मे विण ए अकोवि ए असम विभागी नहु तस्स मुखो। मुक्स एक शब्द है और अध्यात्म साधना का परम लक्ष्य मुक्स होता है। भले उसे निर्वाण कह दे, मुक्ति कह दे, सिद्धालय कह दे, मूल बात है सर्व दुख मुक्ति शाश्वत रूप से प्राप्त हो जाती है, वह मोक्ष अवस्था होती है। हम लोग जो साधु जीवन स्वीकार किए हुए हैं, साधु दीक्षा लेने का मूल आधार है मोक्ष प्राप्ति की कामना। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना, उसके लिए प्रस्थान करना, तो शास्त्र में बताया गया है कि मोक्ष कौन व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, यानी मोक्ष के बाधक तत्व क्या हैं। कई बातें बताई गई। पहली बात बताई, जे या विचंडे यश्चाप चंड है, जो आदमी चंड होता है, प्रकृति से गुस्सेल होता है, इस रूप में तेज स्वभाव वाला होता है, तो चंड आदमी की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पाने के लिए जरूरी है गुस्सा छोड़ना। गुस्सा नहीं छूटेगा तो संसार नहीं छूटेगा, और कर्मों का बंध समग्रतया नहीं टूटेगा। इसलिए मोक्ष पाना है तो गुस्से को छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा अल्टरनेट विकल्प कुछ है ही नहीं। चंड आदमी होता है, भगवान महावीर के जीवन के साथ चंड कौशिक सर्प की बात जुड़ी हुई है। कैसे? भगवान महावीर जब साधना काल में थे, चंड कौशिक सांप से संपर्क हुआ, और चंड कौशिक सर्प बड़ा तेज सांप, उसने प्रयत्न भी किया, प्रयास किया, भगवान के तनुरत्न को मानो कुछ व्यथित भी करने का प्रयास किया या हुआ, भगवान का शरीर नीचे गिरा नहीं। और भगवान अपनी साधना में रहे, आखिर चंड कौशिक सांप को प्रतिबोध मिला, उसे जाति स्मृति ज्ञान हुआ कि कैसे वह चंड प्रकृति का चंड थार कैसे सांप की योनि में आ गया, मनुष्य था कहाँ सांप की योनि में आ गया। तो चंडता जो है, बहुत गुस्सेलता, आक्रोशशीलता, वह मोक्ष में बाधक है। तो आदमी को चाहिए गुस्से से प्रायः बचकर के रहे। प्रायः गुस्सा तो काम का है ही नहीं। भले आप समाज के साथ रहो, भले परिवार में रहो, भले व्यापार की जगह में रहो, गुस्सा प्रायः काम का है ही नहीं। परिवार में ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपके परिवार में अशांति हो सकती है,
आपकी इज्जत में भी कमी आ सकती है, परिवार का माहौल नीरस अरस बिरस सा बन सकता है। तो परिवार में भी गुस्सा काम का नहीं। आप व्यापार में, दुकान ऑफिस में गुस्सा करेंगे, दुकान में ग्राहक आया और आप गुस्से से पेश आएंगे, तो अगले दिन फिर वो ग्राहक आएगा या नहीं आपके पास, तो व्यापार में हानि किसके हुई? गुस्से के कारण से आपके ही तो हुई। तो व्यापार में भी गुस्सा काम का नहीं। समाज के लोगों में बैठेंगे वहाँ गुस्सा करेंगे, संस्थाओं के लोग बैठेंगे गुस्सा करेंगे, अहंकार ज़्यादा करेंगे, तो समाज आपको मुख्य का स्थान क्यों देगा? भी कि ये आदमी ठीक नहीं है, साथ लेकर नहीं चल सकता, तो इसको तो ठीक है सामान्य व्यवहार रखो, इसको मुख्य स्थान नहीं देना है, तो आपका समाज में भी नुकसान ही हुआ ना। तो आत्मा के लिए गुस्सा तो त्याज्य है ही, मोक्ष के लिए गुस्सा त्याज्य है ही। तो आदमी को दिमाग से यूँ ठंडा रहना चाहिए। तो वो आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, आइस तो खैर एक बात है, मूल दिमाग शांत रहना चाहिए, ठंडा शांत रहना चाहिए, झटपट आक्रोश में नहीं आना चाहिए, झटपट नाराज नहीं होना, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाए, झटपट नाराज नहीं होना चाहिए, आदमी को शांत रहना चाहिए। शीतलता, 24 तीर्थंकरों में 10वें भगवान शीतलनाथ, हम शीतलनाथ भगवान का स्मरण भी करें और शीतलता की प्रेरणा लें कि हम शीतल रहें, ठंडे रहें। तो साधु को तो गुस्से से और भी बचना चाहिए। साधु और बार बार गुस्सा करे तो साधु के गुस्सा ओपता नहीं है, साधु के शांति ओपती है। संत वह होता है जो शांत होता है, जो अशांत है, उग्र है, आक्रोशशील है, उसकी संतता में कमी है। आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, साधु मान लो नहीं भी हैं, फिर भी शांत रहना तो अच्छा है। प्राय प्राय कोई टाइम मान लो कुछ बात हो गई, ज़्यादा आमतौर से आदमी को गुस्से में नहीं आना चाहिए, कोई बात कहनी भी है तो बात शांति से कह दे, शांति से कह सकते हैं, मौके पर कहनी चाहिए, शांति से कहनी चाहिए। बड़े का बड़प्पन इसमें है वो मौके पर क्षमा धारण कर ले, होठों को सींके रखे, ये बड़े का बड़प्पन है। बड़ा है बात बात में कड़ा बन जाए, ठीक है, कड़ाई करने की जगह कड़ाई भी करनी पड़े वो भी उचित हो सकती है, पर बड़ा है बात बात में कड़ा कड़ा कड़ा, तो कहीं बड़प्पन में भी कमी आ सकती है। तो बात बात में कड़ा नहीं होना चाहिए, कड़ा तो जहाँ अपेक्षा वहाँ कड़ा कभी बनना पड़े, मजबूत दृढ़ता रखनी पड़े वो ठीक है, बात बात में गुस्से के रूप में कड़ा नहीं बनना चाहिए। तो शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में, उनका कोई स्तवन करे, स्मरण करे और साथ में शीतलता की, ठंडेपन की, उपशांति की प्रेरणा ले ले कि गुस्से को कैसे जीतें। शास्त्र में कहा गया उपशमेन हणे को हम, उपशम से क्रोध को नष्ट करो, हत करो, जीतो। तो उपशम की साधना करो, उपशम की अनुप्रेक्षा करो, जप करो, प्रैक्टिस करो, प्रयास करो और गुस्से को जीतने का प्रयत्न करो। तो यह चंडता मोक्ष पाने में बाधक तत्व है। दूसरी बात है गौरव यानी गर्व करना, बुद्धि का घमंड करे, रिद्धि का घमंड करे, बुद्धि का और रिद्धि का अहंकार नहीं। बुद्धि है अच्छी बात है, ज्ञानावरणीय क्रम का प्रयोग सम है,
तो बुद्धि का अच्छा उपयोग करें, पर बुद्धि का घमंड नहीं। वृद्धि है, समृद्धि है, आर्थिक संपन्नता है, धनाढ्यता है, तो उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई पुण्य का योग हो सकता है कि अच्छी संपत्ति प्राप्त है, तो संपत्ति का घमंड नहीं, संपत्ति का दुरुपयोग भी न हो, संपत्ति से ज़्यादा आसक्ति भी न हो। तो न अहंकार, न ज़्यादा आसक्ति, न संपत्ति का दुरुपयोग हो। तो मति यानी बुद्धि और रिद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञाने मौनम क्षमाशक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य। यह ज्ञान है फिर भी मौन रखना, और शक्ति है जवाब देने की, प्रहार करने की, फिर भी क्षमा धारण करके रखना। दो की चार सुनाने की शक्ति है, फिर भी शांति रख ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखो। तो मति और रिद्धि का गर्व नहीं करना। गर्व करना मोक्ष में बाधकता है, गर्व नहीं करना मोक्ष के अनुकूल बात है। ऐसे ही पिसुन की बात भी है, और साहस बिना सोचे विचारे काम करने की आदत, सोचा नहीं विचारा नहीं कोई फट काम शुरू कर दिया, फट कोई बात कह दी, बात कहने से पहले भी थोड़ा सोचे यह बात कहूँ या नहीं। तो सहसा भाषिता नहीं, सहसा कारिता नहीं, बिना सोचे तत्काल निर्णय नहीं करना चाहिए। जो आदमी पदाधिकारी होते हैं संस्थाओं के, कंपनी के और के मुखिया होते हैं, समाज के मुखिया हैं, सरकार में मुखिया होते हैं, कोई निर्णय करना हो तो आवेश में आकर निर्णय नहीं करना चाहिए। सामान्यतया निर्णय करे तब दिमाग शांत रहना चाहिए। तत्काल आवेश आया, तत्काल निर्णय ले लिया, तो कई बार निर्णय बड़ा गलत हो सकता है। तो सोचने की कला यह है कि सोचने के समय गुस्से में नहीं सोचना, आवेश में नहीं, भावुकता में नहीं, भावुकता में निर्णय नहीं करना, आगली पाछली सोच के निर्णय करना चाहिए। मन शांत हो उस अवस्था में हमें निर्णय करना चाहिए। ये आवेशशीलता अच्छे निर्णय की शत्रु बन सकती है। तो साहस यानी, साहस का एक मतलब हिम्मत, वो तो ठीक है, बिना सोचे विचारे काम करना भी साहस कहलाता है। वो साहस सहसा करना, उस रूप में साहस नहीं होना चाहिए। हीन पेशणे आज्ञाहीनता, अनुशासनहीनता, आदमी को अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासनहीनता अच्छी नहीं होती है, चाहे देश हो, संस्था हो, समाज हो, संगठन हो, अनुशासन अच्छा रहता है तो विकास भी हो सकता है, अच्छापन भी रह सकता है। विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि यह अनुशासन और कर्तव्य के बिना लोकतंत्र का देवता भी मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। कि लोकतांत्रिक प्रणाली है तो बहुत, यह भी अच्छी प्रणाली है शासन की, कि भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आज़ाद भारत के, हम आज़ाद हैं। आज़ाद होना भी एक सीमा तक ठीक है, एक संदर्भ में ठीक है, पर आज़ाद होने का मतलब अनुशासनहीन होना नहीं है। अनुशासन तो आज़ाद देश में भी रहेगा तो देश ठीक चलेगा। तो अनुशासन रहना चाहिए। हीन पेशणे, अनुशासनहीन है उसके लिए मोक्ष कठिन है, दुर्लभ कह दें, अलभ कह दें, मोक्ष नहीं मिलता। तो अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। और अदृष्ट धर्मा न हो, धर्म को देखने वाला हो,
विनय अकोव्य, विनय नहीं करता, विनय में अकोविद है, बस घमंड है, विनम्रता नहीं है, तो वह भी मोक्ष में बाधा और असंविभागी, संविभाग नहीं करता, दूसरे का हिस्सा भी हड़पना चाहता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, कि मेरा तो मेरी चीज है, तेरी चीज भी मैं लूंगा, तो मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। यह एक असंविभाग वाले व्यक्ति की चेतना हो सकती है कि दूसरे का भी हड़प लूँ। एक उदार चित्त वाला व्यक्ति है, वो कहता है भैया ठीक है, तेरा सो तेरा है, मेरा सो भी तेरा, मेरी भी चीज़ तुम ले लो, कोई बात नहीं। एक उदार चित्तता की बात है। एक साधु पुरुष है, आध्यात्मिक दृष्टि वाला, वो बोल कह रहा है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा, कि क्या तेरा और क्या मेरा, डेरा मेरा कुछ नहीं है, अच्छी साधना करो, आए हैं और कभी सबको आगे के लिए तैयारी जाना भी है, तो साधना करो, धर्म के पथ पर चलो। तो असंविभाग है, संविभाग नहीं करता। आप लोग गृहस्थ हैं, संपत्ति का बंटवारा करने का प्रसंग आ जाए, मान लो चार भाई हैं, तीन भाई हैं, अब एक भाई सोचे कि ज़्यादा मैं ले लूँ, ये तो छोटे हैं, ज़्यादा मैं ले लूँ, ऐसा जाल रचूं, ऐसा साईनादी, ऐसी व्यवस्था करूं कि ज़्यादा मुझे ही मिल जाए, तो वो बड़े का बड़प्पन नहीं है। बड़ा या छोटा सोचे मैं बड़े को भी ठग लूं, ये भी अच्छी बात नहीं है। असंविभाग हो गया, चार भाई हैं तो अब पंक्ति बराबर करनी है तो उसमें दूसरे का हिस्सा लेने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तुम्हारा है बस, वो ठीक है, वो तो तुम्हारा अधिकार है, दूसरे का क्यों लेना चाहते हो। तो दूसरे का हक मारना, दूसरे का हिस्सा लेना, यह ठीक नहीं, असंविभाग हो जाता है। तो असंविभागशीलता है, वह मोक्ष में बाधक तत्व है। तो आदमी को अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, यह मानव जीवन हमें प्राप्त है, जिसे दुर्लभ कहा गया है, पर हमें तो अभी उपलब्ध है, तो इस मानव जीवन में कुछ धर्म करें, अच्छे रास्ते पर चलें, आत्मा का कल्याण हो वैसा करें, संवर और तप की साधना करें, सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान, इधर संवर और तप, चातुर्वर्ण धर्म, सम्यक्त्व ज्ञान, संवर और तप, इन चारों की आराधना अच्छी हो तो मानव जीवन हमें मिला है उसकी हमारे लिए अधिक सार्थकता हो सकती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, आद्य अनुशास्ता थे, और उन्होंने ग्रंथ भी रचे हैं धर्म की ओर की, अच्छी मीमांसा अनुकंपा दया की बातें की है, और एक संत पुरुष आचार्य भी थे। कितनी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में, हमारे तो प्रथम वो एक स्मरणी इनका, जिनका स्मरण भी करते हैं, तो आचार्य भिक्षु, और भोजन भी कभी पूरा मिलता नहीं मिलता, चलता था काम ऐसे। उनके उत्तर काल में आचार्य उनके उत्तराधिकारी बने, परंपरा चलते चलते नवमें आचार्य आचार्य तुलसी हुए, जिन्होंने अनुव्रत आंदोलन को बढ़ाया था, और जो महाराष्ट्र में भी मुंबई में भी पधारे थे, पर उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, हमारे धर्म संघ के दशमाधिशास्ता, जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे और अहिंसा यात्रा की मुंबई पधारे थे, तो आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात की, उधर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव प्रेक्षा ध्यान कराते, मूल बात है जीवन में अच्छे संकल्प आए, आध्यात्मिकता आए, तो मानव जीवन हमारा सफल सुफल बन सकता है। तो ये मोक्ष में जो बाधक तत्व हैं, चंड होना, अहंकारी होना, संविभाग नहीं करने वाला होना, अनुशासनहीन होना, और किसुनता है,
अदृष्ट धर्मता है, विनय में एकोविधता, ये सब चीज़ें, इनसे आदमी दूर रहे, अच्छी साधना करे तो वह मोक्ष के निकट और मोक्ष को प्राप्त करने वाला बन सकता है। दानान स्वत्थम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।